थोड़ा पढ़ दिखा है जकड़ो उसको और ठीक है आग लगा दो उसके अंदर पूरी आग लगाओ उसके अंदर तेजी से जलाओ उसके पेट में से भी आग लगा दो अंदर से जकड़ लो
पहले बोला था ना पंजी, वो उल्टी पकड़ रहा सीधा तुम्हारे जांग में आ रहा क्या देख के उसका घबरा घबरा किसका दस्ती कुछ होगी तो जेब में से निकालो वो पोछो एक हाथ से पकड़ते एक हाथ से पानी पिलाते और पानी पूरा निगले तक हटाते नहीं मुंह से गिलास पूरा एकदम निगला देते पानी घबरा रहे बहुत नीचे उतरे तक गिलास नहीं हटाते गिलास अगर हटा दिए तो वापिस पानी फिर होता है झगड़ा उसको तय झगड़ा उसको जोर जोर से झगड़ लो उसको कितने साल से परेशान कर रहा था कितने साल से मारो उसको और मारो और जोर से सामने पाँच साल अच्छा कहाँ से आया था शमशान से कब्रस्तान से शमशान से कब्रस्तान से जल्दी जवाब मेरे मारो उसको नालायक जब तक जवाब नहीं देंगे उसको मारते रहो तेज से शमशान से कब्रस्तान से कहाँ से खुद वो खुद तो आए वाला दिख रहा नहीं तू क्या बीमारियां डाल के परेशान कर रहा था उसको क्या डाला था क्या बीमारियां सीने में चलाता हूँ और सर में दर्द और बॉडी पेन और क्या कराता था मियाँ भी लड़ाया भी लगाता था नहीं और जल्दी बोल जितना लेट करो उतना मारने लगा मारो उसको ना लगा मारो उसको तेज से हाँ जल्दी बोल सेक्स फीलिंग्स लाता हूँ वैसे करा रहा था तू हरकत कमबख्त की औलाद कहाँ से लाए थे तुझे शमशान से कब्रस्तान से कहाँ से फिर उससे शादी करा के दियो बच्ची से नहीं मार के उसको साथ में ले जाके शादी करके रहने वाला था तू खून भी पी रहा था उसका तू छोड़ो मुझे जाता हूँ मैं Ha ha ha!
पानी दो जकड़ो उसको और तेज से पानी दो सामने रखो एक हाथ से पन्नी ग्लास हटाने के बाद लखनऊ तक पानी जलाओ 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 अंदर से चकर के तेजी से आग लगाओ बोल अब तुझे छोड़ू क्या मार के भस्म कर दे क्या करना तेरे साथ सुधा नाला बोल जले कितने लोगों को मारा अभी तक कितने मारा कितने ठीक है उसके अंदर तेजी से आग लगाओ जकड़ लो उसको कितने मारा अभी तक कितने मारा कितने मारा अभी तक कितने नहीं मारा किसी को भी भाई इसलिए इसके बच्चों को मारने वाला था इनकी शादी नहीं हुई हो तुम्हारे कौन हो होने वाले वाइफ है मेरे अच्छा तू होने दे रहा नहीं दोनों के बीच में शादी हो रहे हाँ तू करने अलग के मार के लिए जाके साथ में हाँ बहुत जल्दी तू करने वाला है शादी उसको मार के लिए जाके हाँ बहुत जलाओ जरा उसके अंदर तेजी से आग लगाओ बस कर तौबा कर जल्दी तौबा कर जल्दी दोनों हाथों से जोर से तौबा तौबा कर जल्दी हाँ तौबा कर मुंह पे मार के तौबा कर मुंह पे हाँ मार खुद के मुंह पे हाँ मार मुंह पे तौबा कर जबान से बोल तौबा 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 सुने आ रहा जोर से मैं नहीं आती हूँ इसके पास हरियाली औरत है तू आदमी है औरत आदमी है औरत आदमी है दो दो है तुम दोनों भी मियाँ बीवी है क्या उसके आंग मिला के डाले आले क्या करना नाला को तुम कहाँ से लाए थे कब्रस्तान से लाए थे मसलवाड़े से लाए थे कहाँ से लाए थे कहाँ से जलाओ उसके हाथ में आग लगाओ तेजी से आग लगाओ
काट दूं ये हाथ, काट दूं क्या ये हाथ? काट के ले कब मार रहे थे उसको अम्मा से कुंडम में पट्टा डाल रहे थे। हाँ बच्ची को कब मार रहे थे अम्मा से कुंडम में? सवाल के जवाब दे मेरे से, तो छोड़वाने का मारने का पसंद कर दूंगा। बच्ची को कब मारने वाले थे? क्या नाम है पेशेंट का? आयशा। आयशा को कब मारने वाले थे? आयशा को कब मारने वाले थे? जकड़ो उसको जरा और तेज जकड़ो, हाथ काट दो उसका। अच्छा कैसे मारने वाले थे? एक्सीडेंट करके बीमारी बदल के, बीमारी बदल को एक्सीडेंट करके सुसाइड करा के कैसे मारने वाले थे? बोल जल्दी। सर में दर्द ला के। अच्छा दिमाग की नस फाड़ के। अच्छा उसके बाद उसके शोहर को मारने वाले थे क्या? होने वाले शोहर को? अच्छा तुम इन लोगों ने बच्ची को कितने साल से परेशान कर रहे हैं? पांच बोला ना? मैं तो नहीं सुना, जोर से बोल, सुना है बसा पांच। अच्छा कहाँ से लाए थे तुम लोग पकड़ के? शमशान से, कब्रस्तान से। अपनी दुनिया में मगन रहने का ना, इंसानों की दुनिया में आके कई कैसे मन माने। कौन है? जिन्ना थे मरियाल इंसान है तुम दोनों? कौन है? जिन्ना थे। अच्छा मतलब पिशाच जिन्ना था तुम लोग? कौन पीते है बच्ची का तुम? खून भी पीते? नहीं। मार के साथ मिले जाने वाले थे? नहीं। फिर क्या कर रहे थे? सेक्स करना पसंद है। अरे तो नालायक को शमशान से लाए थे, कब्रस्तान से लाए थे, कहाँ से लाए थे? कहाँ से? शमशान से, कब्रस्तान से? नहीं मालूम। सारी हिस्ट्री सुना मुझे सही से, तो छोड़ूंगा मैंने तो पूरा मार के पसंद कर। नाम नहीं पूछा मैं अभी, नाम मैं दूसरे चक्कर में पूछूंगा, पहले मैं तेरे को अभी खाली ये पूछा था आस्तान, तो क्या क्या करके परेशान कर रहा था? और बीमार लगा को मार देने वाला था? रातों मैं के तंग करता हूँ। अच्छा और? और ये हर वक्त बीमारी में डालता हूँ। इसे पहले नाम बोला था क्या उन्हें? नहीं, हमारा नाम निकला तुम्हारी जवाबदारी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ मसला नहीं है। चल रहा है, चल रहे, नाम बोल, कौन डाला था उसका नाम बोल। नालाक जल्दी बोल, सुल्तान गांव को मैं नाम बता। अब भी सबान का नाम बता। हाँ नाम बता जल्दी। शाम बसे राव। कौन? शाम बसे राव। कहाँ रहता वो? कहाँ रहता? विजयवाड़ा। विजयवाड़ा में कौन से एरिया में रहता हूँ? जल्दी नहीं मालूम, नहीं मालूम। जकड़ो उसको तेजी से। क्या नाम बोला? डबल से बोल। शाम बजे बनाओ। अच्छा वो बच्ची की, उसकी क्या दुश्मनी थी?
क्या दुश्मनी थी? जल्दी बोल, जितना लेट करेंगे उतनी मार पड़ेंगे। क्या दुश्मनी थी? क्या उनके बेटा से कर लेता जाता था शादी? लेकिन उनके अम्मा बाबा पसंद नहीं करे, इनकार करे। अच्छा तो वो कौन था वो शाह, वो जो भी है उसके साथ में और कौन कौन मिला ला जादू करने में? हाँ और कितने लोग मिले आ रहे? हाँ कितने कितने? काट के खत्म कर दूंगा। मारो उसको और मारो, मारो उसको। चल बोला जल्दी बोल। हाँ और कौन कौन मिले आ रहे? बच्चे के रिश्तेदार और कौन मिले आ रहे? बोल। टीका लगाओ उसके नाक में पीट पे। बोलना पड़ता तो बहुत मारने लगा था। चल हाँ बोल, चल बोल। मुंह का खींचो थोड़ा नीचे। हाँ बोल, हाँ बोल। इनकी आंटी है। क्या नाम है उसका? अनुराधा। क्या दुश्मनी थी? इनको इस्लाम कबूल करना पसंद नहीं है। इस्लाम कबूल करे, तुम्हारे बाप का राज चल रहे, हराम खो रहे, मनमाने कर रहे लोगों कैसे। मारो उसको और मारो। देखा ना मैं कैसे मारने लगा था, देखा ना, देखा बाप का राज चल रहा था तेरे से कम बख्त। बोल ले सकता मैं ऐसे टक्कर अब? नहीं हिम्मत नहीं है, मुझे छोड़ दो। मौका किसी नीचे तोबा कर, उठा के दोनों हाथों से, जल्दी जल्दी उठाओ दोनों हाथों ऊपर और मुंह में मार के तोबा कर, जल्दी जोर से अलटा के सब कुछ नहीं आना। मुझे समझ नहीं आ रहा, तोबा 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 तोबा। जोर से और जोर से तोबा की आवाज सुने आना मुझे पूरी जोर से सबको। तुम दोनों भी जोर मारा था अगर उसके आंग पे आके उसको परेशान करे तो कमीनो तुम्हारे को दोनों भी काट के फेंकने लगा देता हूँ। तो दवा अंदर बैठ के खींच खींच के तुम आगे बुला रही क्या दोनों को? दवा को भी निकालने की तैयारी करो, उतार के साथ मेरे सब निकाल के जला के राख करो। और कुछ पूछाने का क्या? चलो मिल जाओ पीछे बेटा, $5 हाथ मेरे। आय आय शबी हटो हटो, चल रे भाग भाग। ओए आय शबी, चलो $5 मुक्ति में। किसको बताऊं? कहाँ से आए थे? हैदराबाद से आया था। इससे पहले कितने बार हाजिर हुआ? कैमरा चालू है। कितने बार हाजिर हुआ इससे पहले? हाजिर हुआ कुछ बोला नहीं, रुकिया सेंटर लेने के गए थे। और से बोलो उधर देख क्या मिल रहा है? रुकिया सेंटर ले लेके गए थे, हाजिर को नाम वो कुछ भी नहीं बोला। अब आगे ना दास्तान सामने क्या मसला चल रहा? तो एक नहीं दो अलग अलग छोड़े वाले, और वो पिशाच जिन्नाते बोल रहे ना,
शासा लग रहते हो, बहुत बदमाशा करते हो, खून पीते, यहाँ सबको मार के पसंद करते, यहाँ कोई टक्कर नहीं ले सकता, कम वक्त हो तुम्हारे बाप का राज कर रहा है, लोगों को ऐसा परेशान करने, मारा उनको बन के सारी दवा खींच के बाहर निकालो। क्या क्या दास्तान है सब उसमें है भैया, फोन करे क्या करे, और खैर जो भी है, इबादत के रस्सी को मजबूती से बांधना, कुरान हदीस ये सब पढ़ना, कुरान पढ़ने आती कौन कुरान आती मदरसे में सीखे, यहाँ आए कन्वर्ट हो गए 5-6 साल पहले, मदरसे में सीखे, फिर मदरसे में सीखे जब से फिर मदरसा छोड़ने लगा दिए, वही जो अंदर थे चीज़ा। इनके माँ बाप कहाँ रहते हैं? माँ बाप अभी हिंदू ही है, अभी रिवर्ट नहीं हुए, गुंटूर में रहते हैं। जो भी उनका आजादाना लाइफ है, जिसकी उसकी आजादाना लाइफ रहती है, सब आते हैं, मगर ऐसा खैर जादू को लेकर किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना, बेवकूफ लोगों एक दूसरों पर जादू टोना करने वालों सबसे बड़े बेवकूफ हैं तुम, तुमको ये नहीं मालूम जब जादू डोना पलटता तो तुम्हारे ऊपर आके गिरता, और इतने बुरे तरीके से तुम्हारे हाल होके मरते तुम कि जिसकी हद में बयान नहीं कर सकता, तुम्हारे को इल्म नहीं, बेवकूफ लोग आए तुम, बदतमीज़ हो, नहीं करना वैसे हरकत, वो तो गलत बात है एक दूसरे पर जादू टोना करना, तुमको इतना करना है तो तुम्हारे को दो चीज दिए वाले, एक तुम्हारे दिया दुआ और दूसरी दिया बददुआ जो हक पे लगते, अगर तुम किसी के हक में बददुआ करें, दुआ को तो भी जमीन और आसमान के बीच में रोक दिया जाता। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु से कौल है, आप फरमाते हैं कि दुआ के साथ में अगर दरूद शरीफ नहीं रहेगा, तुमने दुआ के साथ अगर दरूद शरीफ नहीं पढ़े और वो तुम्हारी दुआ कर रहे तुम, दुआ तुम्हारी जमीन और आसमान के बीच में रोक देते, अर्श तक नहीं जाने देते उसको, जब उसके साथ दरूद शरीफ रहेगा तो वो अर्श पे जा सकती, और दूसरी बात बददुआ जो रहती वो डायरेक्ट अर्श पे जाती, उसको कोई नहीं रोक सकता, तो इतने बड़ा तुम्हारे पास हथियार दिया है दुआ और बददुआ का, तुम वो छोड़ दिए, जबकि बददुआ तो डायरेक्ट अर्श पे जाती, उसको तो रोक भी नहीं सकते कोई, तो तुम लोगों को इतना समझना, वो छोड़ के तुम ये जादू टोना करके क्या कर रहे, बहुत गलत बात है ना, जादू टोना करके तुम अपने हाथों से अपनी दुनिया आखिरत सब बर्बाद कर ले रहे, जादूगर के पास जाना और जादूगर के दरगाह पे जाना शिर्क नहीं है, फातिहा करना शिर्क नहीं है, तुम्हारे फातिहा अल्लाह के नाम पे अल्लाह के कलाम से खिला रहे तुम खाना बना के, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछे सहाबा इकराम की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नजदीक सब अमलों में कौन सा ज्यादा अमल अल्लाह को पसंद है और इबादतों में अल्लाह को सबसे ज्यादा कौन सी इबादत पसंद है, तो आपने फरमाए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह को इबादतों में सबसे ज्यादा आला व अफजल इबादत पसंद है वह है नमाज, अल्लाह को सबसे ज्यादा अमलों में कोई अमल पसंद है तो वो किसी को पेट भर के खाना खिलाना, खाना ये खिला रहे तंदूरी आना तो जो भी कर रहे तुम किसी ना किसी बहाने से खाना खिला रहे हो, तो अल्लाह को सबसे ज्यादा अमल पसंद है, और अल्लाह को और उसके रसूल को पसंद नहीं है तो वो है जादू टोना, बिल्कुल सख्त मना करे अल्लाह, सूरह बकरा में पढ़ो उसके तफसीर हर जगह आगे अल्लाह कुरान में बार बार जिक्र आ रहा है, मगर ये बहुत गलत बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बार बार फरमा दिए कि वो हमें से नहीं, वो हमें से नहीं, वो हमें से नहीं, जो जादूगर के पास जाता, फिर तुम जादूगरों के पास क्यों जा रहे, अल्लाह के वलियों के पास जाना वो बात अलग है, तो जाना पड़ता तुमको क्योंकि अल्लाह को जमीन पे आके फैज नहीं देता, चुनिंदा बंदों के हाथ से फैज देता, और जादूगर जो है वो शैतान के पुजारी हैं, तो वो तुम्हारा एक बार भी अच्छा नहीं कर सकते, उधर तुम्हारे दबा हुआ करते हैं, अरे वो चलो बहुत सारी बातें तो अपनी इबादत की रस्सी को मजबूती के सामने सब गलत बातें तो नहीं करना, खैर इबादत सादी जिंदगी करो, चलो कहाँ से आए तुम लोग? हैदराबाद, मैं भी पटना। ठीक है, चलो।